सनी देओल के इंतजार में रुके थे निर्माता। आलिया भट्ट हिट करवा ले गई फिल्म। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो स्टार्स की किस्मत पलट कर रख देती हैं। ऐसी ही एक फिल्म 5 साल पहले ठीक आज के ही दिन रिलीज हुई थी। हम बात कर रहे हैं इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे की। ये वही फिल्म थी जो आलिया भट्ट के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और वे शानदार एक ट्रेस के तौर पर पहचानी जाने लगी। इस फिल्म की खास बात रणदीप हुड्डा के साथ उनकी जोड़ी भी थी। इस और जोड़ी से भी दिल को छूने वाली रोमांस सिर्फ इम्तियाज अली ही करवा सकते हैं। ये फिल्म 2005 से लटकती चली आ रही है। तब इम्तियाज इस फिल्म के लिए सनी देओल और प्रीति जिंटा को लेना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका। वहीं 2006 में एक बार फिर कोशिश की गई। इस बार बॉबी देओल और आयशा टाकिया के साथ फिल्म को शानदार लॉन्च तो मिला, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी। फाइनली ये फिल्म 2014 में जाकर बनी आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा के साथ। शुरुआत में हाईवे को एक छोटी सी सेमी एक्सपेरिमेंटल फिल्म के तौर पर बनाने का प्लान था। दरअसल इम्तियाज अली को रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण स्टारर अपनी अगली बड़ी यानी तमाशा फिल्म के लिए रणबीर की डेट्स मिलने का इंतजार करना था। इसी बीच उन्होंने छोटी सी फिल्म बनाने का प्लान बनाया, जो आलिया के लिए सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म का बजट महज 8.5 करोड़ था। बता दें कि इतना खर्च धूम टीम के गाने मलंग पर किया गया था। साजिद नाडियावाला इस फिल्म के कम बजट पर इतना हैरान थे कि वे बार बार कंफर्म कर रहे थे कि सारे पेमेंट्स हो गए हैं या बचे हैं। इस फिल्म को पहले बिना किसी गाने के शूट किया जाना था। बाद में फिल्म की कहानी सुनकर एआर रहमान ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की इच्छा जताई और कमाल आपके सामने हाईवे के रूप में आया। इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट एक किडनैप की गई लड़की का किरदार बिना किसी मेकअप और कुछ खाए बिना किया था। वहीं इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की कई लोकेशंस को महज 60 दिनों में ही शूट कर लिया था। बता दें कि फिल्म के दौरान रणदीप आलिया बेहद कम ही एक दूसरे से बात करते थे। ये सब दोनों ने कैरेक्टर में रहने के लिए किया। ठीक वैसे ही रणबीर कपूर ने फिल्म बर्फी के दौरान प्रियंका से बात करने से मना कर दिया था।